धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। मेरे साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री सुभाष सुधा जी और राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद कृष्णलाल पुआर जी और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज क्योंकि पहले से ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग तय थी तो आज वो कैबिनेट की मीटिंग भी हमने की है, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा, साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करते। करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहाँ पर रहे, झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए, मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें, ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता उसको हमने देख करके ये अनुशंसा की है कि चुनाव आयोग को भेजी जाए रिपोर्ट। जैसा भी चुनाव आयोग उसके ऊपर दिशा निर्देश देगा हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक ये अनुशंसा है क्या? जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है ऐसे लोगों को, और उसके अंदर आयोग ने ये विश्लेषण भी किया क्योंकि रिपोर्ट पिछली कैबिनेट के अंदर हमने आयोग को भेजी थी। आयोग ने, जो ऐसी आयोग है, उसने इसके ऊपर विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की संख्या में 50% से ज्यादा हिस्सा होने से के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ये आयोग ने रिपोर्ट देकर के भेजा है। कौन सी जाति है सर? ये मैं बता रहा हूँ
मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, बात पूरी हो जाए, सवाल बाद में, मैं आपको बताऊंगा आगे। अन्य अनुसूचित जातियों में जैसे चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी है, रविदासी है, बलही है, बटाई है, मोची है, जाटव है, ये अन्य अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, धाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी है, मजहबीसिक है, इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल हैं। हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं, आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था, आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका 0.5% यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए, चयन किया जाए उसका, ये उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की है। इसी प्रकार उपलब्ध 20% कोटे में से 0.5% यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, दोनों भी, खाली ना पोस्ट रहे, जो वो कोटा है वो कोटा उतना बरकरार रहे। और इसी प्रकार आज के कुल 20% कोटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो 20% जो कोटा है वो कोटा रहेगा। आज कैबिनेट ने इन सारे आंकड़ों का विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जैसे मैंने बताया भी है। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में चुनाव के बाद लाई जाएगी। हाल ही में कैबिनेट द्वारा 50,000 से दूसरा जो विषय है हमारा, आज एक और विषय था जो हमने 1,20,000 HKRM के जो कर्मचारी थे उनको सुरक्षित करने का काम किया था, और लगातार हमारे पास कुछ लोग और आ रहे थे क्योंकि उसके अंदर 50,000 की कैप लगाई थी, उसके अंदर कोई किसी की जो सैलरी 53,000 कुछ थी या 57,000 कुछ थी, ऐसे काफी वर्ग आ रहे थे। हमने ये उसी में ही पीछे निर्णय ले लिया था कि इनको भी कुछ न कुछ इसके अंदर सुधार किया जाए, क्योंकि आज कैबिनेट के अंदर आना था ये विषय, ये कैबिनेट के अंदर आया है कि ऐसे 50,000 से कम वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का फैसला वो पीछे लिया गया था। आज यह फैसला लिया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी को भी इसमें कवर किया जाएगा। इनका केस चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा गया है, चुनाव आयोग को भेजा है कि हमने इनको जो हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर थे, क्योंकि उनकी एक समस्या थी, हमने कहा है कि ये समस्या भी चुनाव आयोग को बतानी है, क्योंकि ये पहले से ही एजेंडा तैयार था, और एजेंडा तैयार था तो आज कैबिनेट की बैठक थी उसके अंदर हम निर्णय तो दे नहीं सकते थे, कोई भी ना ले सकते हैं जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलता। चुनाव आयोग बोलेगा तो हमने कहा है कि इसको चुनाव आयोग को भेजे, अगर वो हमें इसको, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि उनकी ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और पॉलिटेक्निकल गेस्ट के हैं, कि आप चुनाव आयोग को भेजें और जो भी अनुमति देगा उसके बाद उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हम चुनाव आयोग को भेजें, चुनाव आयोग को हमने रिपोर्टें देखी आज उसके ऊपर देखिए, मैंने बताना तो था ना भी, क्योंकि एजेंडे में था ये, हमारे पास आया, निर्णय कोई नहीं किया, निर्णय चुनाव आयोग के ऊपर है, अगर वो निर्णय करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर परमिशन देगा तो लागू कर देंगे चुनाव आयोग के ऊपर। 50,000 एक्सटेंशन लेक्चर या जो भी है, हाँ मैंने कहा है कि इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन इंक्रीज किया, इंक्रीज किया
उसके अंदर इंक्रीज किया है कि हम उनको शामिल कर रहे हैं, ओपन कर। इसके अंदर ऐसा किया हमने, ऐसा किया नहीं, ऐसा ऐसा किया है इसके अंदर भी। एक साथ लगे टीचर, जिसको जिसकी डिग्री कम थी उसको 35,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि पूर्व के अंदर इसी प्रकार से वो लगाया गया था। और जिनके पास पीएचडी की डिग्री है उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है। इब वो कह रहे कि हमारा तो कसूर नहीं है कोई, हम साथ लगे ये तो सुरक्षित हो गए, हम सुरक्षित नहीं हुए। तो उस समस्या को, जेन्युइन समस्या थी उनकी। हाँ, ये लगभग 2-1 हजार के करीब पैसा, लगभग इतना का। हाँ हाँ, इतना के। इसके अलावा अन्य विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारी, जिनमें सभी तरह की रजिस्टर्ड सोसाइटियों जैसे समग्र शिक्षा परिषद, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, एनएचएम वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एनएचएम वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर डिट्स के डिट्स इत्यादि शामिल है, डीआईटीएस डिट्स शामिल है, तथा कई अन्य विभागों में कार्यरत फिक्स पे, जिनकी फिक्स पे थी वाले कर्मचारी, जैसे पुलिस एसपीओ, पब्लिक हेल्थ टर्म अपॉइंटी, जो इस अध्यादेश में फिलहाल कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें इसका लाभ देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हमने कर दिया है कि वो उनकी सारी समस्याओं को देखेंगे और देख करके कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर फिर कैबिनेट निर्णय लेगी। अभी तो हमने ये काम किया, उनके बारे में ये विचार किया है। इस कमेटी के में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे, जो कमेटी बनाई है। ऐसे सभी केसों का अध्ययन करने के बाद यह कमेटी अपनी सिफारिश चुनाव आयोग को देगी। हाँ, वहां से अनुमति चुनाव आयोग को भेजेगी, ये सारा का सारा करने के बाद। वो नहीं, ऊपर है जी, कमेटी बना दी, मतलब वो टाइम बाउंड नहीं है। नहीं नहीं, कमेटी बना दी ना, अधिकारी होगी ना, तीन अधिकार, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनाई है। यह अध्यादेश हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक और इसमें एजेंडे के अंदर था आज, जो हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अध्यादेश, जुआ निवारण अध्यादेश वो था। यह अध्यादेश हरियाणा में सार्वजनिक जुआ घरों को चलाने, खेलों या चुनाव में सट्टेबाजी, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग तथा इससे जुड़े सभी रोकथाम और दंड का प्रावधान करने के लिए लिया गया है। इसके लिए एक हमने इस बात को स्वीकार किया है कि ये कहीं अगर जुआ ये कोई होता है, सट्टेबाजी होती है, तो उसके ऊपर कानून, उसको रोकने के लिए कानून लेकर के आए हैं। सरकार का उद्देश्य आम जनता को ऐसी किसी भी गतिविधि द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने का है। विभिन्न मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा और अधिकतम 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसके अंदर किया गया। एक हमारा एजेंडा था कि पंजाब एंड सिंध बैंक से 500 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट WCDL LC लिमिट का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने हेतु एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई, तो वैसा एजेंडा था किया गया। और एक और ऐसी था, वो दक्षिणी हरियाणा का था, इसके लिए भी पोस्ट फैक्टो,
ये था बिजली वितरण नियम लिमिटेड के लिए कार्यशील पूंजी क्रेडिट सुविधाओं एवं कैंपस की स्वीकृति के लिए विभिन्न बैंकों और एफआई के पक्ष में 6300 करोड़ रुपए की। हाँ जी, 6300 करोड़। एक ये और महत्वपूर्ण है, ये भी एजेंडे का उसके अंदर विषय था कि हमारे हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा में ग्रुप सी की भर्ती में जो महिलाएं भर्ती होती थी उनके आज किए गए संशोधन के अनुसार शारीरिक मापदंड श्रेणी के तहत महिलाओं को मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटाया गया है। जो चेस्ट मापदंड वो गलत था, उसको बात तो हाँ उसको गलत था, वो हटा दिया, उसको हटा दिया, ये निर्णय इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, उसको हटाया गया है, ये इसके अंदर निर्णय था। ये हमारे आज के कैबिनेट के विषय थे, वो चुनावी नहीं, अभी कोई ऐसा विषय नहीं है, जब आएगा तो आपसे। आपने ऑर्डिनेंस तो बुला लिया, सीएम साहब बना दिए, सॉरी, वो कर्मचारी को लाना पड़ेगा, करने का भी ये जुए वाला, लेकिन इनको 6 महीने के अंदर सदन में लाना होता है। अब आगे जो जो है, अभी तो चुनाव है, तब पता चलेगा कि सरकार आ रही है ना, सरकार है, कॉल कर दिया, इतने बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, कोई वैसी ले रहे क्या? बिल्कुल सरकार है रिया, ये बिल्कुल आप इस बात को क्लियर, मेरा विजन है कि हरियाणा प्रदेश के छोटे मैंडेट से नहीं आ रही, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है, और जितने निर्णय किए हैं हमने कुछ तो लागू कर दिए, क्योंकि कल मुझे मालूम नहीं था कि आज आचार संहिता लग जाएगी। जितने भी निर्णय किए हैं एक एक को विधानसभा के अंदर भी लागू करेंगे, कोई किसी हरियाणा वासी को संशय में रहने की जरूरत नहीं। नहीं देखिए, मैं बेटी का स्वागत करता हूँ, हरियाणा की धरती पे वो आई है, और हमने कहा था उनके सम्मान में हम कमी नहीं रहने देंगे, हमारी बेटी है, हमें गर्व है उसके ऊपर। नहीं नहीं ना ना, फैसला कोई नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि चुनाव आयोग हमने देखा है, ये तो मैंने बताया है, क्योंकि जब ये कैबिनेट के अंदर विषय आ रहे हैं तो मेरा बताना फर्ज है। फैसला हमने कोई नहीं लिया, ना हम फैसला ले सकते हैं, फैसला चुनाव आयोग को भेजा है, कि हमने कहा है कि चुनाव आयोग को भेजे, जो वो निर्णय करेगा। कांग्रेस राजनीति करती है, कांग्रेस, क्योंकि ऐसा उसके पास मुद्दा बताने के लिए तो नहीं है कुछ भी, वो तो इस प्रकार की राजनीति करती है, परंतु हमने, मैंने तो उसी दिन ही कहा था कि हमें अपनी बेटी के ऊपर गर्व है, और उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हरियाणा सरकार बिल्कुल, हमें गर्व है उसके ऊपर, मैं उसका जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वो हो गया ना, वो तो उसका वो भी आ गया सारा बन करके ऑर्डिनेंस। नहीं नहीं, ऑर्डिनेंस आ गया तो 2-3 दिन पहले आ गया, 14 अगस्त को आ गया, वहाँ नहीं, राज्यपाल महोदय के भी सहन। हाँ जी, 14 अगस्त को नोटिफाई भी होगा, लग गई है उसमें उन संबंधित विभागों के द्वारा पत्र जारी होना, वो जारी होंगे नहीं होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ जी, 4 तारीख को सरकार बनेगी तीसरी बार हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और किसकी बनेगी, और 6 तारीख को हम विधानसभा बुलाएंगे, और विधानसभा बुला करके जितने काम है सब पूर्ण कर देंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सीएम ये कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये उन्होंने दावा किया है।
दस साल में हरियाणा के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चुनाव की तारीखों का स्वागत करता हूं, ये भी सीएम कहते नजर आए। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है, कांग्रेस चुनाव में झूठ बोलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम कांग्रेस यानी कि विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं।